नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई, वो कौन सा चल रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा एक हटके टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब विच इज़ नॉट फ्रॉम कम्प्लीटली केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज़ बिटवीन, वी कैन से दैट कि ये भाई थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हो और जो इसका यूज़ है वो तो भाई भर भर के आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखने को मिल जाता है भाई। तो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होती है, इसकी फिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग के आज के लेक्चर में हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो टोटल इसी बात पे होगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल नॉन फिजिबल कब होगी, फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी उसके लिए, फ्री एनर्जी चेंज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः खुद चलने वाली रिएक्शन, विच प्रोसीड इट्सेल्फ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, क्या होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो कि खुद ही प्रोसीड हो सके, जो खुद ही स्टार्ट हो सके और खुद ही चलती रहे, मतलब आगे बढ़ती रहे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहे, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत ना हो, हमको कुछ करने की नीड ना हो, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहां पर हम लिखेंगे विच प्रोसीड्स, प्रोसीड्स इट सेल्फ, ये खुद प्रोसीड होती है, या फिर अगर प्रॉपरली इसको इनिशिएट करवा दिया जाए, स्टार्ट करवा दिया जाए, मतलब दो कंडीशन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, एक या तो वो खुद बखुद स्टार्ट होके चलना शुरू कर दे, या दूसरी कंडीशन जो होती है कौन सी होती है भाई, वो ये होती है कि एक बार उसको स्टार्ट आपने करवा दिया, मतलब प्रॉपर कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन जो भी थी उसके लिए, उसको आपने अप्लाई कर दिया रिएक्शन पे, वो कंडीशन उसको मिल गई और एक बार रिएक्शन शुरू हो गई, मतलब जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया एक बार, तो फिर दोबारा अब हमको कुछ करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में पुट करते हैं, मतलब इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर हम दो बात कहेंगे कि जो खुद बखुद चलती रहे और स्टार्ट होकर चलना शुरू कर दे, और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि वो रिएक्शन भी जो एक बार प्रॉपर कंडीशन पर्याप्त कर, मतलब प्रोवाइड कर दी जाए जिसको, और वो स्टार्ट हो जाए और फिर चलती ही जाए, उसे भी हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स, इसके दो चार एग्जाम्पल भी, दो तीन एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, प्योरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जिसमें कि हमको कुछ भी ना करना पड़े, इनिशिएट भी ना करवाना पड़े, अगर ऑक्सीजन, सपोज दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मर्ज होते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं एट द रूम टेम्परेचर, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब अगर बात करोगे आप लोग तो यहां पे H2 + ½ O2 गिव्स आउट, ये भाई गैसियस हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो गैसियस H2O लिक्विड। ये रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हमें इनिशिएट करवाने की ज्यादा जरूरत कुछ भी नहीं होती है, और यहां पर जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है भाई, निगेटिव होता है। मीन्स एक बात आपको और भी जाननी है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है, मतलब एंथैल्पी, जो एंथैल्पी होती है
रिलीज एनर्जी होती है ओवर ऑल अगर आप बात करने चलो, अभी हम लोग रिलीज है फ्री एनर्जी की भी बात करेंगे बस अगले कुछ ही मिनट में। तो यहां से अगर हम कहें तो डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी नहीं आ रहा इस समय, बट हाँ ये है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, नो नीड फॉर लर्न, याद करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आपने भी नहीं याद करना है कि रटने बैठ जाओ कहीं मिल जाए तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरी रिएक्शन इसी प्रकार से अपनी देखते हैं तो जो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी हम लोगों की वो कौन सी हो जाएगी भाई, कार्बन सॉलिड प्लस O2, ठीक है। मतलब अगर कार्बन को ये O2 गैस तो यहां पे क्या बनेगा, CO2 गैस बन जाएगी। ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन है कि मतलब अगर जो है कार्बन को क्या किया जाए, कार्बन को ग्रेफाइट को आप क्या करते हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो भी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। यहां भी डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है, इसके लिए भी डेल्टा एच क्या होता है भाई, निगेटिव होता है, ठीक है। ये तो थी हमारी कंप्लीट मतलब ऐसी रिएक्शन के, तो ये दो एग्जांपल्स जो है हमारे ऐसी रिएक्शन के हैं विच हैव नो नीड टू इनिशिएट, जिसको जिसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशिएट करने की। लेकिन अगर हम लोग बात करने चले मेथेन का कंबशन, मेथेन का कंबशन जो होता है वो क्या होता है कि अगर उसको मतलब CH4 देखिए कंबशन जो होती है CH4 गैस प्लस O2 गैस, एक बार इसको आपने प्रॉपरली इनिशिएट करवा दिया तो ये क्या बनाती है CO2 गैस प्लस H2O, ठीक है। यहां भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल जो निगेटिव ओवर एट ऑल जो वैल्यू होगी डेल्टा एच की वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये दो रिएक्शन है आपकी जिनको इनिशिएट करवाने की भी जरूरत नहीं है आपने, लेकिन अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो है थोड़ा इनिशिएट करवाने की जरूरत इसको पड़ती है और ये रिएक्शन फिर जो है फिर चलती ही जाएगी, ठीक है। कंबशन रिएक्शन ये भी एंडोथर्मिक इन नेचर होगा, हमने कहा ना कि जितनी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी एंडोथर्मिक इन नेचर होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग जो आगे बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, फ्री एनर्जी फैक्टर की बात करेंगे। जो फ्री एनर्जी होती है वो किस प्रकार से अफेक्ट करती है रिएक्शन को, मतलब जो है वो जो है कैसे डिसाइड करती है, किस प्रकार से बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आप लोगों ने भाई जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा दोनों ही बात को सुनो भाई, जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उनको तो नॉलेज होगी होगी कि अगर बात करें तो किसी भी एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। अगर हम बात करें हम लोग के पास एक रिलेशन होता है, देखिएगा रिलेशन क्या होता है भाई, डेल्टा जी या आप बात करने चलो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये रिएक्शन जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स से है हमारा ये रिएक्शन रिलेशन जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। अब अगर बात करने चलो यहीं से ओवर एट ऑल जो वैल्यू आती है हमारी, यहीं से बात हमारी शुरू होती है कि अब देखिए यहां पर एक फैक्टर और हमारे पास है जो ये टी है, ये टी इसको अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें, टी को क्या कर दिया जाए, अगर कॉन्स्टेंट कर दिया जाए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करवा दिया जाए भाई और जी एच और टी एस, ठीक है, मतलब एच और टी एस अगर ये एंथैल्पी और एंट्रोपी को चेंज किया जाए तो जी भी चेंज होगा, मतलब फ्री एनर्जी चेंज भी होगा, मतलब फ्री एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कहने चलें इसको अगर हम कॉन्स्टेंट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या होना है, क्या लिखना है नीचे नोट पॉइंट बनाकर, नोट में क्या लिखना है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, डेल्टा जी शुड बी निगेटिव
डेल्टा जी क्या होना चाहिए भाई, निगेटिव होना चाहिए, मतलब जो फ्री एनर्जी चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब फिजिबल होगी। अब यहां पर देखते हैं हम लोग वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जो डेल्टा जी को निगेटिव बनाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करने चलें तो इस रिलेशन से देखिए, ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन जो है हमारे पास, इस रिलेशन में दो फैक्टर्स हैं जो कि डेल्टा जी को अफेक्ट कर रहे हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी और वी कैन से दैट एनर्जी फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो कौन सा है, एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी फैक्टर मतलब ये टी डेल्टा एस, यहां पर हमने टी को तो कांस्टेंट लिया है, तो दो जो फैक्टर होता है ये फैक्टर क्या कहलाएगा, एंट्रोपी फैक्टर। ठीक है, तो बारी बारी से अगर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि डेल्टा जी कैसे अफेक्टेड होगा। आइए देखते हैं भाई, अगर हम बात करने चलें यहां से तो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से अगर हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको डेल्टा जी को निगेटिव बनाना है, इफ वी हैव टू मेक डेल्टा जी निगेटिव, देन व्हाट द कंडीशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए अगर हमारा डेल्टा एच वैल्यू, हम यहां पर क्या कह दें कि डेल्टा, ये केस हमने फर्स्ट कह दिया, इसको फर्स्ट केस हम यहां पर लेके चल रहे हैं, डेल्टा एच अगर हमारा क्या हो, डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा टी डेल्टा एस फैक्टर भी क्या हो भाई, पॉजिटिव हो, अगर ये टी डेल्टा एस फैक्टर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ओवर एट ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये निगेटिव, पूरी वैल्यू निगेटिव, तो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी यहां से अगर हम बात करें, इसको देखिएगा, इतना जो फैक्टर हमारे सामने है ये टोटल फैक्टर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ये टोटल फैक्टर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और ये जो निगेटिव फैक्टर है विच इज फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, हमने अभी ऊपर क्या लिखा है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, तो डेल्टा जी जितना ज्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, मतलब फ्री एनर्जी चेंज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। यहां पर जो डेल्टा जी की वैल्यू है निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है यहां पे, कि एनर्जी वो फ्री कर रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी को डेल्टा जी। अब देखिए ऐसे कभी कभी बच्चों के मन में एक डाउट आ जाता है भाई, सबके मन में आता है, हमारे भी मन में आया करता था, वो लाजमी है, वो अब मतलब कोई इशू नहीं है उसका आना, लेकिन उसका समाधान समझिए, वो मतलब वहां पर वो जो आता है डाउट, और डाउट क्या आता है कि भाई कहता है कि डेल्टा जी, मतलब अगर हम बात करें कि निगेटिव में, निगेटिव वैल्यू जितनी हाई होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही छोटा होगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर कहें यहां पर -2 -4, तो दिस वैल्यू इज लार्ज एंड दिस वैल्यू इज स्मॉल, लेकिन यहां पर अगर आपसे डेल्टा जी की वैल्यू 2 लिखी गई हो आपके लिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू सपोज दैट -400 किलो जूल, और यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिख दे भाई -600 किलो जूल, तो यहां पर आपने ये नहीं सोचना है भाई कि डेल्टा जी यहां पर तो 600, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर छोटी है भाई। यहां पर ये निगेटिव साइन आपको क्या बताता है, निगेटिव साइन ओनली शोस दैट रिलीज्ड एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हुई है रिएक्शन के दौरान, यह बताता है। ठीक है, आप लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा होगा भाई थर्मोडायनेमिक्स में, एक बार याद दिलाता हूं, एक बार देखिए ध्यान से यहां पर वो साइन कन्वेंशन क्या है एनर्जी के टर्म में अगर हम बात करने चले तो। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये बात वहां पर आप लोगों को बताई गई होगी थर्मोडायनेमिक्स में, कि एक रिएक्शन है हमारे पास, सपोज दैट A2B, एक रिएक्शन है ये और दूसरी रिएक्शन ये है A2B। ठीक है, यहां पर अगर ये रिएक्शन एनर्जी को जो है एटमॉस्फेयर से एक्वायर करती है, मतलब एनर्जी को एटमॉस्फेयर से लेती है ये, अगर ये रिएक्शन, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई,
इसको मतलब एटमॉस्फेयर सराउंडिंग आप कह सकते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी इसको दी जा रही है, इसको एक सिस्टम कह दीजिए, इसको एक सिस्टम कह दीजिए, बाकी इसके चारों तरफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग से एनर्जी कोई लेता है या हीट लेता है तो वहां पर हम साइन क्या बोलते हैं, वहां पर हम साइन बोलते हैं पॉजिटिव। मतलब सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, सराउंडिंग से जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम हो रही है, सिस्टम के तरफ हो रही है, सराउंडिंग से हो रही है। ठीक है, बात को समझिएगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो ये जो बात होती है ये बताती है आपकी कि वो रिएक्शन एनर्जी को ग्रहण कर रही है, मतलब एक्वायर कर रही है, ले रही है, ठीक है, और उसके बाद हो रही है। तो यहां पर जो हम लोग कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू, या चेंज इन एनर्जी आप कह दीजिए, ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये होता है पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारी बात हो जाती है वहां पर, ठीक है। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं कि ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन जब हो रही तो एनर्जी रिलीज आउट कर रही, एनर्जी को जो है एटमॉस्फेयर या आप कह सकते हैं अपनी सराउंडिंग को दे रही है, तो यहां पर जो बात हो जाती है, ये बात क्या हो जाती है भाई कि यहां पर जो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। यही बात यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो निगेटिव साइन है वो निगेटिव साइन आपको ये नहीं शो करता कि फ्री एनर्जी बहुत कम या बहुत ज्यादा, मैग्नीट्यूड नहीं, वो निगेटिव साइन आपको क्या शो करता है वहां पर, ओनली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो फ्री एनर्जी का जो चेंज है या फ्लो ऑफ एनर्जी आपको वो डायरेक्शन बता रहा है वहां पे, तो इस बात को भाई दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करने चलें तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा निगेटिव उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, दैट इज अगर हम बात करने चलें तो रिएक्शन फिजिबल। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, रिएक्शन जो होगी वो मोर फेवरेबल होगी या फिजिबल होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करने चलें, अगर हम लोग बात करने चलें यहां पर देखिए डेल्टा एच वैल्यू को हमने निगेटिव किया, ठीक है, और इसको पॉजिटिव किया, लेकिन अब यहीं पर इसको एज सच निगेटिव छोड़िए, एज सच इसको निगेटिव छोड़िए और डेल्टा ये जो एंट्रोपी फैक्टर है इसको भी निगेटिव कर दीजिए। आइए चेंज करते हैं हम लोग, इसको केस नंबर टू बनाते हैं, सेकंड वाले को हम लोग जो है मतलब इसको सेकंड केस बनाते हैं। सेकंड केस में हम लोग क्या देखते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, यहां पर समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो है काफी ज्यादा लिच एटलियस प्रिंसिपल में भी इसका यूज है। आगे आप लोग देखोगे कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज मोर फेवरेबल और लो टेम्परेचर पे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, तो ये सारी बातें यहीं से निकल के आती हैं, मतलब अभी जो है यहीं से आगे इनका इंट्रोडक्शन होगा, समझ में आएगी सारी बातें। तो ये सारी ये फैक्टर जानना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से भाई साहब, यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, ये निगेटिव आ गया यहां पर, हमने कहा कि ये निगेटिव, अब ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव मिलके इसको क्या कर देंगे, अगर हम यहां पर कहने चले तो हमारा जो नया रिलेशन आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस, क्या हो जाएगा यहां पर टी डेल्टा एस। अब यहां पर बात थोड़ी सी उलझाऊ हो जाती है, थोड़ी सी उलझाऊ क्या हो जाती है भाई, ये बात हो जाती है यहां पर कि अब यहां पर जो प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर होगा एनर्जी फैक्टर या एंट्रोपी फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन फिजिबल या नॉट फिजिबल होगी। मींस अगर हमारा ये मतलब यहां से भी दो केस बनता है, यहां से भी अगर हमारा आप क्या दो केस बनता है कि इफ डेल्टा एच इज प्रीडोमिनेटिंग, इज डेल्टा एच इज प्रीडोमिनेटिंग, और दूसरा जो हमारा केस बनता है वो कौन से बनता है, टी डेल्टा एस इज प्रीडोमिनेटिंग, प्रीडोमिनेटिंग, यहां पर यह बात आ जाती है। अब दोनों में से कौन सा प्रीडोमिनेटिंग हो फैक्टर होगा, दोनों में से जो फैक्टर भारी पड़ जाएगा, जो फैक्टर जीत जाएगा, वो रिएक्शन को जो है डिसाइड करेगा कि नाउ दिस रिएक्शन इज फिजिबल स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ
देखते हैं भाई, डिस्कस करते हैं इस बात को हम लोग। देखिए ध्यान से यहां पे, अगर हमारा ये फैक्टर, अगर डेल्टा एच फैक्टर प्रीडोमिनेटिंग हो गया, ये फैक्टर प्रीडोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्टर अगर छोटा हो जाता है, ये फैक्टर क्या हो जाता है, अगर छोटा हो जाता है, तो ओवर एट ऑल जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां पर वैल्यू निगेटिव आ जाएगी डेल्टा जी। तो यहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव, और रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, फिजिबल, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी, और वी कैन से दैट स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। आगे देखते हो अब, ये तो खुद भी दिमाग में अब क्या आ गया होगा भाई, बड़ा ही आसान है। देखो अगर ये फैक्टर जीत जाता है भाई, मतलब अगर ये बहादुर पड़ जाता है, ये इसको हरा देता है, तो फिर बड़ी ही आसान सी बात है भाई, कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। फिर देखिए ध्यान से यहां पर, फिर क्या, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको सिंपल सी बात है भाई, अगर हम लोगों के पास दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है उसी की साइन लेके चलते हैं हम लोग। तो यहां पर देखना भाई, ये केस प्रीडोमिनेटिंग है, तो यहां पर जो डेल्टा जी हो जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा जी क्या आ जाएगा भाई, यहां पर पॉजिटिव, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो जो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, या वी कैन से दैट नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल हो जाएगी। मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कुल मिला के कंक्लूजन क्या देखा कि डेल्टा जी अगर जो है फिजिबल तो जो है क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, डेल्टा जी इज निगेटिव तो रिएक्शन फिजिबल, ठीक है। अब उसके लिए ये डेल्टा जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मतलब डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों फैक्टर्स पे। अब इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम तीन, हम लोगों ने क्या बनाया, टोटल तीन केस बना गए, मतलब दो केस बनाए, दूसरे केस के भी दो सब केस रहे, तो ओवरऑल टोटल कितने केस बन के आ गए हमारे सामने, टोटल जो है तीन केस बन के आ गए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहां पर, इतनी तो बातें हमारी क्लियर हो गई भाई, इतनी बातें हम लोगों को आई थिंक समझ में आपको आ गई होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर जो बात आती है कि अगर दोनों ही फैक्टर बराबर हो जाएं, ठीक है, अगर दोनों ही फैक्टर क्या हो जाएं, अगला केस जो हमारा यहीं से निकल के आ जाता है, चलो भाई यहीं से उसको भी मैं इसी का अगला मैं नेक्स्ट केस बना देता हूं, थर्ड केस मैं उसको बनाता हूं कि इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, अगर जो इन दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाएं तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से यहां पे क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। मतलब अगर कभी आपका, आपकी रिएक्शन में अगर डेल्टा जी चेंज, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर आपका जीरो आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे भाई, सॉरी उसके लिए आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, यहां आप लोग बोलोगे रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है ना। इस बात को समझना है, इस बात पे ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भाई रिएक्शन में कभी आपको ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, गुमराह करने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए, कि वो ढेर सारे डेटास दे देगा, ढेर सारे डाटा दे देगा आपको, ठीक है, डाटा देके आपसे ये, लेकिन रिएक्शन में फिर मेंशन कर देगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और फिर डेल्टा जी कैलकुलेट करने को बोल देगा। तो डेल्टा जी कैलकुलेशन पे जाना ही नहीं भाई हमको, क्यों नहीं जाना है, क्योंकि उसने रिएक्शन में मेंशन कर दिया है कि रिएक्शन जो है वो किस में है, रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल सी बात है भाई, नो नीड फॉर द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की कोई नीड ही नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर मार्क करना है, जीरो ढूंढना है ऑप्शंस में, फटाफट जीरो देके हमें बता देना है कि भाई जो है ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्टिव होगा तब तो भाई कैलकुलेट करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, वन बाय वन हर एक स्टेप पे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये इतने फैक्टर्स आ गए आपके जो डेल्टा जी को अफेक्ट करते हैं, जो कि बताते हैं आपको डेल्टा जी डेल्टा जी के अकॉर्डिंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब अगर इसको जो है हम एक समराइज्ड वे में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा मैं इसको जो है एक छोटे वे में, अगर समराइज वे में अगर लिख दो पूरा, तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर देखिएगा भाई ध्यान से यहां पर,
समझते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपरली, और भाई वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। भाई देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, थम्स अप देते हो, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और बहुत मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने में कि भाई हमारे व्यूअर्स जो है को हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अपनी राय प्लीज़ ज़रूर प्रस्तुत करें कि भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर बात करने चलें यहाँ पर हम लोग कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से यहाँ पे यह क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ओवरऑल डेल्टा जी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन को जो है, या इसको आप मिटा लिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए डेल्टा जी के लिए हमने तीन केस बनाए भाई। तीन केस कौन कौन से बनाए भाई, देखना ध्यान से, यहां पर समराइज अगर करने चाहिए, पहला केस क्या था कि डेल्टा जी इज निगेटिव। ठीक है, यहां पर हमने क्या कहा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां पर हमने क्या कहा कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ये तीन केस हमारे सामने बन के आ गए। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा भैया, आपका रिएक्शन जो हो जाएगी वो स्पॉन्टेनियस या आप फिजिबल कह दीजिए इसको, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिजिबल होगी। ठीक है, अब अगर बात करने चले इस केस में क्या होगा, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगी, रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहेगी। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अगर इसको कराना जबरदस्ती करवाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब यहां पर देखिए नॉट फिजिबल भी कह सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन समराइज्ड वे में आपके सामने आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा भाई, वो अगला टॉपिक जो होगा कि ये इसी के अकॉर्डिंग, अब तक तो हम लोगों ने देखा डेल्टा टी मतलब डेल्टा एच, या आप कह सकते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी, मतलब एच एंथैल्पी और एस एंट्रोपी दोनों को चेंज करवा करवा के हम लोग देख रहे थे स्पॉन्टेनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को भी घटा बढ़ा के चेक करना है अब हमको कि रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो भाई देखते हैं हम लोग कि अब जो है हमारा क्या होना है अगर हम लोग टेम्परेचर को कर दें, ज्यादा कर दें। ठीक है, तो अब आपका जो टॉप मतलब हेडिंग होगी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, मतलब डेल्टा जी जो है आपका वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, मींस जो डेल्टा जी की वैल्यू है मतलब स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया वो कैसे डिसाइड करता है कौन, टेम्परेचर। मतलब अब तक जो हम लोगों ने वो चेंज किया डेल्टा एच और डेल्टा एस, अब डेल्टा एच और डेल्टा एस वो तो चेंज होगा ही, बट एज वेल एज अब टेम्परेचर को भी लेके चलेंगे। तो फिर अब हम यहाँ पे दो केस बनाएंगे, एक एट हाई टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन और लो टेम्परेचर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो केस बनाते हैं। सबसे पहले दो केस कौन कौन सा बनाते हैं भाई, पहला केस जो हमारा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप लोगों को पता एक बात होती है कि जो डेल्टा एच होता है मतलब एनर्जी फैक्टर जो होता है डेल्टा एच ये क्या हो जाता है भाई, डेल्टा एच क्या होता है बताइएगा फटाफट, डेल्टा एच एंडोथर्मिक मतलब कि रिएक्शन एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले रही है ना, और अगर ले रही है सराउंडिंग से एनर्जी ले रही मतलब पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाता है ये
पॉजिटिव होता है डेल्टा एच, ठीक है। और अगर यहां पर आप लोग क्या बात करो, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी एक्सर्ट कर रही है, रिलीज आउट कर रही है, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव, सराउंडिंग को एनर्जी दे रही है रिएक्शन। अब यहां पर फिर से वही बात, फटाफट रिएक्शन लिखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहां पर मैं जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर बात करूंगा, हाई टेम्परेचर पर बात करूंगा, ठीक है, और इसको लो टेम्परेचर पर बात करूंगा मैं, यहां पर भी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको मैं लो टेम्परेचर पर बात करूंगा, ठीक है। बाकी इसके लिए लो टेम्परेचर पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर पर आपका होमवर्क होगा, लो टेम्परेचर पर उसको हम कैसे चेकआउट करेंगे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, और उसके बाद जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, इसको जो है अब देखते हैं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। यहां पर देखिएगा भाई, अगर बात करने चले हम लोग तो देखिएगा ये वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब यहां पर अगर आप लोग देखिए तो ये तो वेरी हाई है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये फैक्टर क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव, मतलब लिटिल इंक्रीज अगर इसमें देखने को मिल जाए, अगर ये जरा सा भी पॉजिटिव हो जाए एंट्रोपी फैक्टर, जरा सा भी फैक्टर, ये क्या कहते हैं एंट्रोपी फैक्टर, अगर जरा सा भी एंट्रोपी का जरा सा भी पॉजिटिव आ जाए थोड़ी सी भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल लार्ज एक्सटेंट, मतलब लार्ज निगेटिव हो जाएगी, लार्ज निगेटिव हो जाएगी। और अगर लार्ज निगेटिव हो जाएगी तो ओवर एट ऑल ये क्या हो जाएगा, इस पर डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब अगर हम बात करें यहां पर तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर डेल्टा, मतलब आप कहेंगे एंट्रोपी फैक्टर टी डेल्टा एस फैक्टर इज प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये, और प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर अगर ये हो जाएगा तो ये क्या करेगा, टोटल वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, और अगर ये फैक्टर डोमिनेटिंग है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर की साइन हम लोग लेके चलेंगे, और यहां पर टोटल वैल्यू पर्याप्त जो है निगेटिव आ जाएगी, इस मतलब सफिशियंट, ये क्या हो जाएगी, सफिशियंट निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर सफिशियंट निगेटिव हो जाएगी तो रिएक्शन जो होगी हमारी वो फिजिबल होगी, रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। और अगर यहां पर आप लोग बात करो, ध्यान समझो इस केस में, तो यहां पर एक कंक्लूजन मैं लिख देता हूं, यहां पर कंक्लूजन जो आएगा आपके सामने वो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फेवरेबल होती है, क्या होती है, फेवरेबल होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये हमारे लिए क्या होगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में भी इसको हम लोग यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगला जो हमारी कंडीशन बन के आती है, यहां पर हमने क्या कहा कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच निगेटिव है भाई, अगर ये जो एनर्जी फैक्टर है निगेटिव है तो यहां पर एंट्रोपी फैक्टर बचा हमारे पास, ये हमने कहा, यहां पर हमने लो टेम्परेचर की बात की है, अगर लो टेम्परेचर की हमने बात की तो अगर देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो टी डेल्टा एस है अगर थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब स्मॉल, यहां पे लिटिल थोड़ा सा भी अगर जरा भी ये निगेटिव हो जाएगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर ये निगेटिव तो टोटल यहां पर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव, तो यहां पर अगर आप बात करो तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा डेल्टा एच, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो है ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा,
डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और डेल्टा एच अगर डोमिनेटिंग होगा तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो ओवरऑल ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल डेल्टा एच डोमिनेटिंग तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और अगर डेल्टा जी निगेटिव तो सिंपल सी बात है भाई, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। मतलब यहां से जो कंक्लूजन निकल के आया हमारे सामने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पर क्या होती है, फिजिबल होती है। ठीक है, तो आप लोग ली चेटलियस प्रिंसिपल में एक बात पढ़ेंगे, वो क्या कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और टेम्परेचर घटाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट इंक्रीज आती है, वो यही सर बात यहां से ही निकल के आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब अगले टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। टेम्परेचर हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर। तो ये बात हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में कि जो टेम्परेचर पर किस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर यूज करेंगे या वांट ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, और जो है इंटीग्रेटेड वांट ऑफ इक्वेशन दोनों हम लोग वहां पर निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए भाई नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।